अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्रीमान निर्मल कुमार जी लोहाड़िया, श्रीमती उर्मिला जी लोहाड़िया, श्रीमान विपुल जी लोहाड़िया, श्रीमती प्रियंका जी लोहाड़िया, कुमारी आरवी लोहाड़िया एवं समस्त लोहाड़िया परिवार भीलवाड़ा राजस्थान। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्जायाणम, नमो लोए सव्यसाहुणम। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः, कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोग प्रक्षालित सकल भूतल मल कलंका, मुनिभिरुपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान। अज्ञाने तिमिरांधानां ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मनः प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशकं पाप प्रणाशकमिदं शास्त्रं श्री संयम प्रकाश नामधेयम्। अस्य मूल ग्रंथ कर्ता रहे श्री सर्वज्ञ देवा, तदुत्तर ग्रंथ कर्ता रहे श्री गणधर देवा, प्रति गणधर देवा, तेषां वचनानुसार मासाध्य आचार्य श्री कुंद कुंदामनाये आचार्य सूर्य सागरेण विरचितं श्रोता रहे सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणि, मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याणकारिकम प्रधानम सर्व धर्मानां जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। संयम प्रकाश नाम का ये ग्रंथ है। सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव अकर्ता स्वभाव की अनुभूति करता है, अपने आप को निरंतर अकर्ता ही अनुभव करता है, अकर्तापन का ही वह विचार करता है, अकर्तापन ही उसके दिलो दिमाग में घूमता है। कोई द्रव्य किसी अन्य द्रव्य का कर्ता धरता नहीं है, यह बात बहुत अच्छे से मुखरित होकर, प्रमुख होकर, खुल कर के यहाँ सामने आ गई थी। इसमें किसी भी तरह का कोई इफ़ एंड बट नहीं है, किंतु परंतु नहीं है। यहाँ जो बातें कही गई है वे सारी बातें बहुत सरलता से कही है, वे सारी बातें बहुत सहजता से कही है। ये सारी बातें कितना स्पष्ट शब्दों में दो टूक जवाब देते हुए कही है कि सम्यक दृष्टि जीव अकर्ता होता है। वो सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव क्या विचार करता है, उस सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव का क्या चिंतन चलता है, उस सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव की भावना कैसी वर्तती है और कैसी दौड़ती है, इस संबंध में भी बहुत बातें कही थी। और कल हमने आपके बीच में समय सार ग्रंथादि राज की 36, 37 और 38 नंबर की गाथा यहाँ बतलाई थी, और जिसमें ये कहा था, मोहादि मेरे कुछ नहीं, मैं एक हूँ उपयोगमय, है मोह निर्ममता यही, वे कहे जो जाने समय, धर्मादि मेरे कुछ नहीं, मैं एक हूँ उपयोगमय, है धर्म निर्ममता यही, वे कहे जो जाने समय। जो समय को जानते हैं, समय माने आत्मा को जानते हैं, वे धर्मादिक को, मोहादिक को वे अपना कैसे कह सकते हैं भाई।
धर्मादिक और मोहादिक को वे अपना नहीं कह सकते। और 38 नंबर की गाथा, मैं एक दर्शन ज्ञान मैं नित शुद्ध हूँ रूपी नहीं, ये अन्य सब पर द्रव्य किंचित मात्र भी मेरे नहीं। क्या गजब गजब किया है भाई साहब, कमाल किया है हमारे वितरागी संतों ने। मैं कैसा हूँ, मैं एक दर्शन ज्ञान मैं, अरे गुनगुनाते रहो गुनगुनाते रहो। जिन लोगों ने कल ये गाथाएं याद की थी उनसे कहना चाहता हूँ, दिन भर याद कीजिए, दिन भर गुनगुनाइए। मैं एक दर्शन ज्ञान मैं नित शुद्ध हूँ रूपी नहीं। बहुत सारे लोगों ने याद कर लिए, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है, अच्छी बात है सचिन जी। मैं एक दर्शन ज्ञान मैं नित शुद्ध हूँ रूपी नहीं, ये अन्य सब पर द्रव्य किंचित मात्र भी मेरे नहीं, ये अन्य सब पर द्रव्य किंचित मात्र भी मेरे नहीं। क्या किंचित मात्र भी मेरे नहीं है, किंचित मात्र भी मेरे नहीं है, अन्य सारे द्रव्य किंचित मात्र भी मेरे नहीं है। अब सर्व द्रव्यों के अंदर पैसा लगाइए, नोट लगाइए, डॉलर लगाइए, आपके अमेरिका में रहने वालों के, सिंगापुर में रहने वालों के, ऑस्ट्रेलिया वालों का डॉलर लगाइए, जहाँ जहाँ के आपको लगाना हो सब जगह की करेंसी लगाइए। सिल्वर की बात कीजिए, मेरा नहीं है। गोल्ड की बात कीजिए, मेरा नहीं है। जमीन जायदाद की बात कीजिए, ये सब अन्य द्रव्य हैं, ये मेरे नहीं है। क्या ये अन्य सब परद्रव्य किंचित मात्र भी मेरे नहीं, किंचित मात्र भी मेरे नहीं। धन दौलत वैभव संपदा और अन्य सब द्रव्यों के अंदर इन्होंने अनंत अनंत जीवों को भी शामिल कर दिया था, पत्नी पुत्र परिवार बेटा सगे संबंधी मित्र घनिष्ठ मित्र, अरे ये तो मेरा खास है, ये तो मेरा अपना है, अरे ये तो मेरा बिल्कुल, अरे भाई सुनो तो सही, क्या ये क्या कह रहे हैं यहाँ, सब परद्रव्य हैं, परद्रव्य हैं। पहले ये नक्की करो कि ये परद्रव्य हैं कि स्वद्रव्य है, पहले ये नक्की करो कि ये परद्रव्य हैं या स्वद्रव्य हैं। क्या ये पर हैं या स्व हैं। क्या फोन आदि मेरे नहीं, धन आदि मेरे नहीं, संपत्ति आदि मेरे नहीं, कपड़े आदि मेरे नहीं, परिग्रह आदि मेरे नहीं। क्या सोचना जरा क्या क्या मेरे नहीं है, क्या क्या मेरे नहीं है, सब चीज़ के अंदर लगाइए। ये भेद ज्ञान विज्ञान कराने वाली गाथाएँ हैं। चलिए प्रकरण जहाँ चल रहा था उसी जगह पर हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ये द्रव्य कर्म मेरे नहीं है, ये भाव कर्म मेरे नहीं है, ये नौकर्म मेरे नहीं है, ये द्रव्य कर्म नहीं, भाव कर्म नहीं और नौकर्म नहीं, ठीक है ना। द्रव्य कर्म नहीं, भाव कर्म नहीं और नौकर्म नहीं, और इनकी जितने विस्तार करो उतना विस्तार है। नौकर्म में तो सारी दुनिया का विस्तार है। नौकर्म क्या है, नौकर्म क्या चीज है, सारी दुनिया, दुनिया के पदार्थ, सारे संयोग, घर गृहस्थी परिवार आदि सब कुछ तो नौकर्म है, तो नौकर्म तो नहीं है। अरे भैया कर्म तो अपने हैं, कर्म तो अपने हैं। क्या कर्म तो अपने हैं ना कि नहीं, कर्म भी अपने नहीं है। क्या नौकर्म तो अपने है ही नहीं, ये द्रव्य कर्म भी अपने नहीं है। ओहो क्या कह रहे हैं, अच्छा द्रव्य कर्म तो अपने है ही नहीं, भाव कर्म भी अपने नहीं है। ओहो क्या गजब बातें हैं भाई साहब। राग मेरा नहीं है, कषायें मेरी नहीं है, विभाव मेरा नहीं है, विभाव भाव मेरे नहीं है, किन किन का निषेध कर दिया है यहाँ पर, ये सब मेरे नहीं है। सम्यक दृष्टि जीव वस्तुतः परम वितरागी है। ओह कैसा है सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव, वस्तुतः ये वस्तु स्थिति है वो परम वितरागी है। श्रद्धान वैराग्य उसका परम धन है। क्या श्रद्धान और वैराग्य उसका परम धन है, कहा भी है। ओह सम्यक दृष्टियों का धन बतला रहे हैं, सम्यक दृष्टियों का वैभव बतला रहे हैं, सम्यक दृष्टियों की वो बतला रहे हैं कि इनके आखिर पावर किस चीज़ की है। सम्यक दृष्टियों के पास में, सम्यक दृष्टियों के पास में शक्ति किस चीज़ की है उसे बतला रहे हैं। समय सार ग्रंथ है, 136 नंबर का कलश है, बड़ी ही सुंदर चर्चा है, बड़ी ही सुंदर पंक्तियां हैं, हम यहाँ पढ़ते हैं। 136 नंबर का कलश,
है ना। इस 136 नंबर का कलश जो है, इसे संस्कृत में पढ़ता हूँ, कौन सा छंद है ये, मैं धुन तो ख्याल में आ रही है, देखना हमारे विशेषज्ञ विद्वान बतला भी देंगे। सम्यग दृष्टिर्भवति नियतम ज्ञान वैराग्य शक्ति, मंदाक्रांता लगता है। सम्यग दृष्टिर्भवति नियतम ज्ञान वैराग्य शक्ति स्वं वस्तुत्वं कलयितुमयं स्वान्यरूपाति मुक्त्या यस्मात् ज्ञात्वा व्यतिकरमिदं तत्वतः स्वं परं च स्वस्मिन् नास्ते विरमति परात् सर्वतो रागयोगात्। या 136 नंबर का कलश, पद्यानुवाद बोलूं उसका। निज भाव को निज जान अपनापन करे जो आत्मा प्रभाव से हो भिन्न नित निज में रमे जो आत्मा वे आत्मा सद दृष्टि उनके ज्ञान अर वैराग्य बल हो नियम से यह जानिए पहचानिए निज आत्म बल। वाह क्या ज्ञान वैराग्य की शक्ति है, निर्जरा अधिकार है भाई साहब, निर्जरा अधिकार है सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीवों के ज्ञान और वैराग्य की कुछ अपूर्व शक्ति नजर आती है। सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीवों के ज्ञान और वैराग्य का कुछ अपूर्व बल नजर आता है। सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीवों की शक्ति है, ज्ञान का बल है, वैराग्य का बल है। ओ ज्ञान और वैराग्य के बल को बतलाने के लिए, अरे वहाँ दो उदाहरण दिए हैं, एक ज्ञान शक्ति को बतलाने के लिए, एक वैराग्य शक्ति को बतलाने के लिए। पूरा निर्जराधिकार इतना महत्वपूर्ण है, इतना गजब का है, बहुत आनंद आता है, बहुत आनंद आता है। देखिए आप क्या कह रहे हैं यहाँ, ज्ञान और वैराग्य का बल सम्यक दृष्टि यानी जीव, जिसके कारण पर से भिन्न अपने आत्म तत्व में ही वह रचा पचा रहता है। देखें जरा पंक्तियों की व्याख्या करते हुए किन शब्दों का और किस तरह की शब्दावली का प्रयोग किया है, नीचे देखिए जरा क्या कहते हैं। नियम से भावार्थ देखिए, पेज नंबर 88 है, 88 नंबर पेज, भावार्थ देखें जरा क्या कह रहे हैं। नियम से सम्यक दृष्टि के ज्ञान वैराग्य की शक्ति उत्पन्न हो गई है, ज्ञान की शक्ति है भाई साहब, वैराग्य की शक्ति है। क्या ऐसे उदाहरण दिए हैं, शराब पीता हुआ भी, अनिच्छा पूर्वक शराब पीता हुआ भी शराब का नशा नहीं चढ़ता, एक उदाहरण। दूसरा उदाहरण दिया है, जहर का सेवन करते हुए भी वैद्य मरते नहीं है। क्या एक में ज्ञान की बात कही, एक में विरक्ति की बात कही, दोनों उदाहरण अलग अलग हैं। मैंने ये क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ, सम्यक दृष्टि की ज्ञान विराग शक्ति ते विधि फल भोगत पे विधि झटा झटी, ज्ञान और वैराग्य की शक्ति से सारे कर्म पूर्व के बंधे हुए सब घटते चले जाते हैं, सब नष्ट होते चले जाते हैं। ओहो जिससे अपने स्वरूप का लाभ और पर स्वरूप का त्याग बिना किए ही हो जाता है। पॉइंट टू बी नोटेड, क्या कह रहे हैं, बिना किए ही हो जाता है। क्या अपने स्वरूप का लाभ और पर स्वरूप का त्याग बिना किए ही हो जाता है। अरे भाई त्याग किया नहीं जाता, हो जाता है। जिसके प्रति अपनापन होता है वहाँ रमणता अपने आप होती है, जिसके प्रति लगाव होता है उसकी चिंताएं अपने आप होती है, जिसके प्रति तन्मयता होती है, जिसके प्रति अपनापन होता है वहाँ अपने आप जुड़ाव होता हुआ दिखाई देता है, साथ संभाल होती हुई दिखाई देती है, ये सहज स्वरूप है। जिसके प्रति विरक्ति होती है उससे स्वयमेव छूट जाता है, जिससे द्वेष बुद्धि होती है, जिससे नाराजगी होती है, जिसे अपने से भिन्न जानता है उसके प्रति अपने आप छूट जाता है, छोड़ना नहीं पड़ता है। ब्रह्मानंद जी सब नीलगिरी वाले,
बोलो सोचना जरा क्या कह रहे हैं, ये क्या क्या बात कह रहे हैं। अपने आप स्वयं त्याग किया नहीं जाता, हो जाता है। ध्यान किया नहीं जाता, हो जाता है। क्या जब ये जीव ज्ञान में प्रवृत्ति करता है, जब इस जीव की प्रवृत्ति ज्ञान में होती है तो ज्ञान की एकाग्रता को ही ध्यान कहते हैं। क्या क्या बातें कह रहे हैं यहाँ पर। ज्ञान और वैराग्य की शक्ति जिसके उत्पन्न हो गई है, जिससे अपने स्वरूप का लाभ और पर स्वरूप का त्याग बिना किए ही हो जाता है। क्या कह रहे हैं ये, बिना किए ही हो जाता है। कैसी कैसी बात कह रहे हैं, बिना किए त्याग हो जाएगा कि हाँ हो जाता है भाई साहब, यही तो बात है। उसने अपने आप को पर से भिन्न जान लिया, बस पर से भिन्न जान लिया बस। इसी समय सार ग्रंथादिराज की गाथा नंबर 34 नंबर गाथा, पच्चाखाणम नाणम, ज्ञान को प्रत्याख्यान कहा गया है। और 35 नंबर गाथा, उसमें वो धोबी का उदाहरण देकर के चर्चा की है। ये सब चर्चाएं करेंगे अपन आगे जब क्रम में आएगा, समयसार ग्रंथ चलते समय प्रातःकालीन सभा में। तो सोचो आप जरा, माने पर को पर जानने के बाद त्याग किया नहीं जाता है, फिर तो स्वयं हो जाता है, सहज हो जाता है। भैया आपको पता लग गया, ये जो दूध है इस दूध में छिपकली गिर गई थी। बोलो आप दूध पीने वाले हो, 3 गिलास दूध ला करके आपके सामने रखे, एक आपको पकड़ा, एक आपको, एक आपको, तीनों को एक एक गिलास दूध पकड़ाया ला करके, और तीन में से एक व्यक्ति ने गिलास उठाया था और जैसे ही गले पे लगाने वाला था, मुंह पे लगाने वाला था, और इतने में बच्चे, अंकल जी अंकल जी, ये जो ये वही दूध है जिसमें छिपकली गिर गई थी, आप क्या करेंगे बोलो। आपको इस बात का ज्ञान हो गया कि इस दूध में छिपकली गिर गई थी, अब आप क्या करेंगे, लेंगे कि नहीं लेंगे, सेवन करेंगे कि नहीं करेंगे, पिएंगे कि नहीं पिएंगे, बोलो सोचो जरा। अरे भाई साहब नहीं नहीं, सोचना क्या है इसमें, नहीं बिल्कुल नहीं। अच्छा वही बच्चा आकर के ये कहे, पता नहीं अंकल जी थोड़ा सा कंफ्यूजन है, छिपकली गिरी तो थी ऊपर से, क्या अब वो दूध की भगोनी में गिरी थी कि बगल में गिरी थी, निकल करके भागते हुए भी देखा भगोनी से ही, पता नहीं, हो सकता है नहीं गिरी हो, आप तो पी लो। आप क्या कहेंगे, ए भाई क्या दूध नहीं पीऊंगा तो मर नहीं जाऊंगा, नहीं पीऊंगा तो कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, रहने दे भाई तू रहने ही दे, क्या कन्फ्यूजन है ना मामला, क्या अब नहीं पिएगा कोई व्यक्ति, कोई समझदार व्यक्ति नहीं पिएगा, क्योंकि कन्फ्यूजन है ना इसमें, जहाँ शंका हो गई है वो काम नहीं करता है। इसका मतलब यह हुआ कि त्याग किया नहीं जाता, ज्ञान होते ही, समझ होते ही, सत्य का पता लगते ही, वस्तु स्वरूप का ज्ञान होते ही त्याग हो जाता है। क्या समझ में आ रही है बात, बशर्ते कि ये बात अपने दिलो दिमाग में उतर जाए अच्छे से। क्या हमारे दिलो दिमाग में यदि ये बात अच्छे से उतरी हुई होगी, अच्छे से उतर जाए, तो फिर छूट जाता है, फिर त्याग हो जाता है बस। क्या चलिए देखिए क्या कह रहे हैं यहां। उसने अपने आप को पर से भिन्न जान लिया है, वह सम्यक दृष्टि ऐसा अनुभव करता है कि मेरा तो स्वभाव ही ज्ञानावरणादि कर्म बांधने का, सुनो सुनो मेरा स्वभाव कैसा है, मेरा तो स्वभाव ही ज्ञानावरणादि कर्म बांधने का तथा घटपटादि पदार्थ उत्पन्न करने का नहीं है, मेरा तो स्वभाव ही नहीं है कर्म बांधने का, मैं कर्म को बांधूं ऐसा मेरा स्वभाव ही नहीं है। क्यों नहीं है भाई साहब, सोचना जरा। हमारे बहुत सारे साधर्मी लोग जो नए जुड़े हैं, स्वाध्याय की जिनकी भावना जागी है, जो स्वाध्याय करना चाहते हैं, नए नए जुड़ करके पहली पहली बार स्वाध्याय कर रहे हैं, क्यों नहीं है। पीछे जो पिछले 2 दिन से जो चर्चा चल रही थी अपनी, उन्हीं पंक्तियों के दम पर कहता हूँ, कर्म पुद्गल हैं। क्या कर्म पुद्गल हैं, कर्म धूल के कण जैसे हैं, ज्ञानावरणी कर्म मिट्टी जैसे होते हैं, कर्म मिट्टी जैसे, और वो आत्मा के साथ में आकर के चिपकते हैं ऐसे दूर से,
तो जो मिट्टी है, धूल है, पुद्गल है, और मैं कौन हूँ कि मैं जीव द्रव्य हूँ? मैं जीव द्रव्य हूँ, कर्म पुद्गल द्रव्य हैं, और दो द्रव्य एक दूसरे के कर्ता नहीं होते, ये यहाँ सिद्ध की जा चुकी है बात। दो द्रव्य एक दूसरे के कर्ता नहीं होते। मैं एक दर्शन ज्ञानमय नित शुद्ध हूँ रूपी नहीं, ये अन्य सब पर द्रव्य। कौन से ये अन्य? सारे सारे अन्य है भाई साहब। क्या ये सारे परद्रव्य हैं? ये सब अन्य हैं, ये सब भिन्न हैं, ये सब मुझसे न्यारे हैं, ये सब निराले हैं मुझसे, मैं इनसे भिन्न तत्व हूँ। ये पुद्गल, मैं चेतन, ये अन्य सब पर द्रव्य किंचित मात्र भी मेरे नहीं। अरे भैया, ये किंचित मात्र भी मेरे नहीं है, ये किंचित मात्र भी मेरे नहीं है, ये सारे परद्रव्य। सोचिए जरा, ये परद्रव्य किंचित मात्र भी मेरे नहीं है। तो ज्ञानावरणी कर्म ये कह रहे हैं यहाँ पर, इन कर्म को बांधने का और घट पटादी पदार्थ उत्पन्न करने का नहीं है मेरा स्वभाव। मेरा तो स्वभाव ही नहीं है। मैं घड़ा कैसे बनाऊँ, मैं कपड़े कैसे सिलाऊँ, मैं कपड़े कैसे पहनूँ? घट पट आदि, घट माने घड़ा, पट माने कपड़ा, दो शब्द है ना, घट पटादी। क्या समझ में आ रही है क्या बात? घट पटादी, घट पटादी का मतलब क्या हुआ? घट माने घड़ा, घड़ा माने अकेला घड़ा नहीं होता, घड़ा माने सारे फर्नीचर, घड़ा माने मकान, घड़ा माने सब निर्माण की गई सारी चीजें, ये सब घट में। बर्तन, बर्तन है, फर्नीचर है, मकान है, प्रॉपर्टी है, ये सब घट शब्द के अंतर्गत शामिल होते हैं। और पट शब्द का अर्थ होता है कपड़ा। तो इस कपड़े के अंदर कपड़े से बनी हुई सारी चीज़ें वो लागू होती है, पहनने की सारी चीज़ें लागू होती है। घट के साथ भी आदि है, घट पट आदि, तो घट आदि और पट आदि, तो कपड़ा आदि। तो कपड़ा आदि के अंदर क्या ले लेना? कपड़े के अंदर बिस्तर भी आएंगे, चादर भी आएगी, पहनने के कपड़े भी आएंगे, ओढ़ने के कपड़े भी आएंगे, बिछाने के भी आएंगे, सोफ़ा सेट भी आएगा, दरी भी आएगी, नहीं सब सब तरह की चीज़ें, ये सब गद्दे वगैरह भी आएंगे, डनलप के गद्दे, सोफ़ा सेट, ये सब सब पट के अंतर्गत शामिल हो जाते हैं। तो घट पट, इसका मतलब सारे जगत के पदार्थ, उन सब को एक शब्द में कहना हो तो क्या कह देते हैं? घट पट। क्या क्या देखिए क्या कह रहे हैं, घट पट में सब आ गए। सम्यक दृष्टि ऐसा अनुभव करता है कि मेरा तो स्वभाव ही ज्ञानावरणादि कर्म बांधने का तथा घटपटादि पदार्थ उत्पन्न करने का नहीं है। माने कर्म बांधने का भी मेरा स्वभाव नहीं है। क्या बोलो, समझ में आ रही है क्या बात? मेरा स्वभाव कर्म बांधने का नहीं है। मैं एकाकार सदैव ही अकर्ता एवं अभोक्ता हूँ। ओहो, कर्म बांधने का मेरा स्वभाव नहीं है। जैसे मेरा स्वभाव कर्म को बांधने का नहीं है। क्या मेरा स्वभाव जैसे कर्म को बांधने का नहीं है, ऐसे कर्म का स्वभाव भी मुझे बांधने का नहीं है। मैं कर्म को नहीं बांधता, कर्म मुझे नहीं बांधता। मैं कर्म में फेरफार नहीं करता, कर्म मुझ में फेरफार नहीं करता। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्रीमान निर्मल कुमार जी लोहाड़िया, श्रीमती उर्मिला जी लोहाड़िया, श्रीमान विपुल जी लोहाड़िया, श्रीमती प्रियंका जी लोहाड़िया, कुमारी आरवी लोहाड़िया एवं समस्त लोहाड़िया परिवार, भीलवाड़ा, राजस्थान।